ये मेरी नाक के नीचे क्या खेल खेल रहे हो तुम माँ बेटियां? क्या हो रहा है यार? मना किया था मिलने से उसको? मैंने बताना था आपको कि कब बताना था तूने मुझे? मेरे मरने के बाद? आप अम्मा से इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। तू चुप कर जाओ, तेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। आ जाती है मुंह उठा के, चल अपने घर। और तू, जब मैंने कह दिया था कि कोई भी उस लड़की से नहीं मिलेगा तो तू मिली कैसे? भूल गई तू फहमीदा बेगम कि मैंने तुझे क्या कहा था? मैंने कहा था तुझसे मिली ना तो मैं तुझे अल्लाह का वास्ता आपको कुछ तो मेरी उम्र का ख्याल करे। मेरे फैसले के खिलाफ जाकर तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। असलम साहब, आप क्यों भूल जाते हैं कि मैं एक माँ भी हूँ। माँ हो तो बस भाई बन के रहो, क्योंकि बीवी का किरदार तुम नहीं निभा सकी। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है फहमीदा बेगम। मैं तो होश में आए, क्या कर रहे हैं आप? अम्मा अंदर चलो, अम्मा जाए ना अंदर, चले। फहमीदा बेगम कौन है? तू क्या कर रही है? आपको ये बताने आई हूँ कि अम्मा को कुछ मत कहिएगा, इनसे मिलने पे इसरार मैंने ही किया था। तू कौन होती मुझे बताने वाली? बीवी है मेरी, जो मर्जी करूँ मैं, दबा जाए यहाँ से। मैं बेटी हूँ आपकी, और ये रिश्ता अब मरने के बाद भी नहीं छुटला सकता। कोई नहीं है तू मेरी बेटी, तेरी जैसी आवारा लड़की मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। मैडम ने कहा है ना कि वो अपनी माँ से मिलने आई है, तो मिलकर ही जाएंगी। ना आप आज मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर सकते हैं, और ना ही मुझे धक्के मार के निकाल सकते हैं। इन्हीं लोगों के खौफ से आपने मुझे धक्के मार के निकाला था ना? मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया था आपने। आज है किसी में हिम्मत जो मुझ पे उंगली उठा सके? किसी में हिम्मत है कि मेरे सामने आ सके? इनमें से तो किसी में हिम्मत नहीं मुझ पे उंगली उठाने की। अब्बा, ये मेरी माँ है, मेरी माँ और मेरी बहनें रहती हैं यहाँ पर। एक बार नहीं, बार बार आऊंगी यहाँ, और किसी में हिम्मत नहीं होगी कि मुझे रोक सके। और अगर आपने अब इनके साथ कोई ज्यादती की तो अब्बा, मैं कसम खा के कहती हूँ, अल्लाह की कसम, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पे? जाओ, अपना काम करो।